प्रदेश की हुकूमत में जाके वहाँ का दरबारी शायर बनना चाहता था। वो चला तो जब वो उसके शहर में जाने लगा तो उधर से एक आदमी आ रहा है। उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो मैं मुकदमे जिसके पास जा रहा हूँ तो उसका जो दरबारी शायर है ना, पोएट लॉरिएट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उससे मुकाबला करना है। इतफाक से वो वही था। अच्छा, उसने कहा यार ये वहाँ जाओगे बादशाह के साथ टाइम लोगे फला लोगे, आपने किस मुकाबला करना, आप मुझसे करें। उसने कहा भी तुमसे मुकाबला क्यों करूँ? और यहाँ उसने ना मुकाबला कर लेते हैं। उसने कहा हम कोई वो नहीं है, जज नहीं। उसने कहा इधर उधर देखा एक जो हमें एक तालाब एक बड़ा सा दरिया था उसके चारों तरफ धारियाँ लगी हुई थी, एक गडरिया वो चढ़ा था भेड़। उसने कहा भाई बात यह कि हम कोई आदमी एक भेड़े हैं और ये भेड़िया गडरिया। उसने कहा इसे ही जज बना लेते हैं, आके यहाँ मुकाबला करते हैं। उन्होंने उसे बुलाया, जबेरों के साथ पास बैठ गए। उन्होंने पहले कहा कि भाई तुम क्योंकि दरबारी शायर हो उसके, तुम अपना कलाम बयान कर। उसने अपना संस्कृत में लंबी चौड़ी कहानियाँ शेरी इधर उधर इल्म फजल की बातें की। उसने कहा अब तुम, उसने थोड़ी सी बात की और उसने कहा मतलब उसका मफहूम ये था कि मौसम सुहाना हो, दरिया का तालाब का या उसका किनारा हो, हरी हरी घास खड़ी हो, रेवर चढ़ रहा हो। और फिर उसने कहा कि इससे बड़ा और क्या स्वर्ग, उसमें संस्कृत में उसका आया, और क्या स्वर्ग है सिंह ललारू, क्या और जन्नत के सींग निकलेंगे, यही जन्नत है। उसने कहा जी, उसने पूछा कि भाई बताओ। उसने कहा भाई ये दरबारी शायर को ये तो मुझे जाहिल लगता है, इसने डेढ़ घंटे बकवास किए, एक लफ्ज़ समझ में नहीं आया और मेरी बात इसकी समझ में, इसकी बात सब समझ में आ गई है, तो इसने उसने भेड़ों का और उसका जिक्र किया, और इसने के देखो ना बात मेरी समझ में नहीं आया बल्कि मेरी सारी भेड़ें गर्दन हिला रही, जैसे गर्दन हिला रही थी ना उनका सारी मेरे गर्दन, भेड़ों को भी मेरी बात समझ में आ गई। तो उसने कहा वो पुरुष दरबारी शायर जो, उसने कहा कि भाई ठीक है वहाँ चल, मैं जाके कहूँगा कि भाई आज से मैं शायर नहीं, ये शायर होगा। और क्यों होगा? कि तुमने वक्त को हालात को पहचान लिया और मैं हक वक्त और हालात को न पहचान सका, किस माहौल में क्या बात करनी। और यही बात है अब फिर आ जाएगी कि सारे लीडरों को वो बात करनी चाहिए जो वक्त और हालात के मुताबिक हो। हमारी समझ से बारातर बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, और इसलिए हम भटके हुए राही हैं इस मुल्क। हमारे साथ हमारा कोई राह दिखाने तो जिस हालात में यहाँ सलामत रखे और सेहत वाली जिंदगी, वो अलग बात है सेहत वाली जिंदगी।